व्योम खीरा खाओ। खाना खत्म भी हो गया ना, खीरा खाओ। मालपुआ मालपुए मौसा, आपको तो पता है ना आप मेरे सबसे फेवरेट हो। मासा, मैंने फर्श फूफा वास्ता और बरांडा बुआसा सब अच्छे से साफ कर लिया। और देखो हमारे हाथ भी साफ है। बुलबुल ये बाई जी। जी खाने का समय खत्म हो गया है, ये झूठे बर्तन और जो भी बचा खाना है ना वो रसोई में संभाल के रख लो। एक मिनट से लक्ष्मण, अभी बुलबुल ने खाना नहीं खाया भाई। लगता है 3 साल में इस घर के सब लोग घर के नियम भूल गए। कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ, जो काम यहाँ समय से शुरू होता है ना वो समय से ही खत्म होता है। और घर का ये नियम घर के सभी लोगों पर लागू होता है, चाहे वो पुराने हो या फिर नए। ले अठे। सुलच्छु माँ। अरे सुलच्छना अठे क्यों सो गई भाई? चल अंदर चल, कमरे में चल के सो। नहीं वो इतने सालों के बाद आई ना तो इस कुर्सी पर बैठी अच्छा लग रहा था, थोड़ी आंख लग गई। आज मैं थारे वास्ते कुछ लेके आया हूँ। तो आप ही बता दो कि क्या लेकर आयो। ये देख, जयसवाल के यहाँ की मावा बर्फी। तने बहुत पसंद है ना? साथ में ये भी बता दो कि बाप बेटा क्या मनवाना चाहते हैं मुझसे। पत्रकार साहब पकड़ लिया। 35 साल हो गए हमारी शादी को, 3 साल सिर्फ आपसे दूर रही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था, कोमा में थी, याददाश्त नहीं गई है मेरी। तो बता ही दीजिए ना क्या बात मनवानी है। बुलबुल बहुत अच्छी लड़की है सुलक्षणा। जब से वो इस घर में आई है बिंदड़ी बन के, उसने इस घर की इस परिवार की हमेशा भलाई सोची। और मानू मैं कि वो छोटी बेचारी उम्र में छोटी है, लेकिन बहुत बहादुर, बहुत समझदार, बहुत श्रेणी छोरी है। पर माँ बुलबुल थोड़ी छोटी है तो हो सकता है घर संभालने की जिम्मेदारी इतनी जल्दी ना उठा पाए, लेकिन अगर आप 18 की थी जब इस घर में शादी करके आई थी, और तूने शायद बातों में बताया था कि वो 19 साल की है। 19 साल की उम्र छोटी नहीं होती, और वैसे भी गृहस्थी संभालने के लिए उम्र से कोई लेना देना है ही नहीं। गुण, काबिलियत और नियत, इनसे संभाली जाती है गृहस्थी। और ये तीनों गुण मुझे फिलहाल उस लड़की में दिखाई नहीं दे रहे। पर तू एक बात समझ ले सुलक्षणा, ये बुलबुल इस घर की बींदड़ी बन चुकी है। वीर की पत्नी है वो, इस घर की बींदड़ी नहीं बनी है। हाँ तो श्याम जी, हमारी सासू माँ तो हमारी माँ के बनाए चटोराचार के गुटकी से भी ज्यादा कड़क है। हमारे को तो उनसे बहुत डर लग रहा है, अब मैं उन्हें मनाऊ कैसे? पेट भाई साहब, हमारे को पता है आपको भूख लगी है, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाओ, गुड़गुड़ मत करो, मैं कुछ जरूरी सोच रही हूँ। जानदार साहब, भूख लगी है? हाँ, भूख नहीं लगी। क्या सोच रही थी? मैं
मैं यही सोच रही थी कि मुझसे कोई गड़बड़ ना, लेकिन फिर भी मुझसे गड़बड़ हो जाती है, मैं क्या करूँ? मैं आज भी पता है मैं कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, लेकिन फिर वानी जी को ऐसे देख के मैं कैसे नहीं निकलती, आप ही बताओ। फिर मैं इतने जोर का भागी और फिर पाइप पैसा फूट गया, और उसके बाद वो गुलदस्ता जी जी पे टू भूख लगी थी ना, खाओ। आप ये क्यों लेके आए? मासा ने देख लिया तो? मैं मालपुए पसंद है ना, मैंने पुष्कर में देखा था, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पेट का गुस्सा पूरे घर पर निकले। नहीं तो? लो खा लो, ये लो। इतना ध्यान रखते, ये लो। रानी जी को अकेला कैसे छोड़ देती, मुझे चोट लग जाती तो। थैंक यू बुलबुल। एक टाइम था हमारे पूरे परिवार की जान बसती थी वानी में, वो पूरे घर में इधर से उधर बस भागती दौड़ती रहती थी। उदास होती थी तो मनाते थे, खाना नहीं खाती थी तो पूरा घर खाना नहीं खाता था। और फिर अब वानी को ऐसे इस कमरे में बंद हम सबसे दूर देखकर बड़ा दुख होता है। कितना वक्त हो गया वानी ने ना कोई खुशी देखी, ना कोई त्योहार, ना कोई जश्न, बस अपने आप में उसी कमरे में बंद रहती है। और आज तुम्हारी वजह से उसको इतनी जोर से मुस्कुराते हुए, दिल खोल कर खिलखिलाते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बुलबुल। इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है, मारे को तो वैसे भी बारिश बहुत पसंद है। जब वो गड्ढे में पानी भर जाता है ना, उसमें ऐसे हाथ करके चपक चपक चपक। अरे आपको लगे दिखाई, अच्छा तुम बता तो दो, वो तुम सुबह क्यों कह रही थी तुम माँ के पास वापस घर पुष्कर जाना चाहती हो? वो तू नाबालिग है बुलबुल, तू नाबालिग है बुलबुल, तू 19 की ना, तू 19 की ना, 17.5 साल की है, 17.5 साल। नाबालिग लड़की की शादी कराने के आरोप में सबको सजा मिलेगी, थारे कंवर साह की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। आप हमारी माँ की बात छोड़िए ना, आपकी मासा कितने सालों बाद आई है, आप उनके पास जाइए, उन्हें आपकी जरूरत होगी ना। ठीक है, ले भाई ले। वायु मामू खुद का राइस खुद चलाओ ना, और इतना भी ऐसे मत बोलो। आ जाओ सब लोग, खाना तैयार है। खेल खत्म, पीछे आ जाओ। अरे पापा आगे गेम खेलना था। अरे चल आ जा। अरे यार चीटिंग करते हैं। कोई चीटिंग ना, थारी माँ आ गई। चलो पापा। हाँ बस थोड़ी देर में निकलूंगा, नाइट ड्यूटी। जी आ जा फटाफट बैठ के खा ले। ओहो बताओ, शादी के पहले हफ्ते नाइट ड्यूटी, आपके यही हाल रहे ना, तो नई नवेली दुल्हन छोड़ के भाग जाएगी, फिर करते रहना नाइट ड्यूटी। पहली वाली भी तो भागी गई थी। सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। जल्दी से खा लेती हूँ, वरना अभी भी खाने नहीं मिलेगा।
बुलबुल सुनो, घर की बिंदनी मेज पर बैठकर पहले खाना नहीं खाती, पहले सबको परोसती है। अरे नहीं, बैठी रहे, ऐसे खाने से नहीं उठते बेटी। के पिछले 3 साल से तो अटे थी ना, और बुलबुल बिंदनी तो अभी आई है, और घर में कोई बड़ा बूढ़ा भी ना था जो इसे समझा सके कि घर के नियम क्या है। धीमे धीमे सीख जाएगी। मायके से सब कुछ सीख कर आना चाहिए। सासरे में सासरे के हिसाब से ढलना पड़ता है, और 19 साल की उम्र कोई छोटी नहीं होती। तुझे पसंद है ना ये? तेरे लिए बनाया, चल मैं खिलाती हूँ। बुलबुल लाओ, मुझे दे दो। लाओ। वो मारा फोन, मैं देखती हूँ। गुड़ की डेली? वो मैं मेरी माँ को गुड़ की डेली बुलाती हूँ ना, उनका फोन है। गीता का फोन है? लाओ मुझे बात करो, मुझसे बात कराओ। गीता की फोन लेकर आओ। समझ सा खंभागणी समदन सा, मारे को पता है बुलबुल ने कि आप खाटू श्याम जी की कृपा से स्वस्थ होके वापस घर आ गए हैं। अच्छा, सासरे की रपट मायके तक पहुंचाने में बिंदनी जरा भी देर नहीं लगाई। बातें करने के अलावा और क्या क्या सीखा है हमारी बेटी ने? तुम तो जानती हो ना गीता, बिंदनी के 3 श्रृंगार, मर्यादा परवरिश और अच्छे संस्कार। अच्छे संस्कार। और गीता, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी बेटी मेरी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मायके में उसकी माँ ने उसे ये नहीं सिखाया है तो सासरे में उसकी सास उसे सिखा देगी।